मॉड्यूल 69, लेवल ऑफ आउटपुट एम सी इज इक्वल टू एम आर वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मर इज टू मैक्सिमाइज़ हिज प्रॉफिट एंड फॉर द मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ द प्रॉफिट ही टू डिसाइड अबाउट लेवल ऑफ आउटपुट. जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन की बात करते हैं ये बेसिकली इंडिकेट करता है द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट की अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन हो टोटल रेवेन्यू की और टोटल कॉस्ट की तो हम प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं और ये प्रॉफिट किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा दिस प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट अ पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ टीसी स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टी आर और साथ में एक एडिशनल कंडीशन भी है कि एट दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट टी आर शुड बी ग्रेटर फिर इसी पैटर्न पर हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि प्रॉफिटम एट अम सीवल टू एम आर लेकिन यहां पे साथ एडिशनल कंडीशन क्या होगी मार्जिनल कॉस्ट इज राइसिंग अगेन एक हाइपोथेटिकल स्केजूल क्या रिपोर्ट कर रहे कि दिस हाइपोथेटिकल स्केजूल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट

टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या जी अगेंस्ट जीरो यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रॉफिट ऑफ द फार्मर क्या है इट इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड के जीरो में से जब मैं हंड्रेड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग माइनस हंड्रेड अगेंस्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट सिचुएशन क्या है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ द फार्मर इज इक्वल टू फोर्टी फाइव हिज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वन अगेन क्या है फार्मर इज फेसिंग लॉस Loss किस चीज के इक्वल है माइनस वन हंड्रेड फाइव एक चीज आप यहां भी कर सकते हो कि एज लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस प्रॉफिट इनिशियली क्या हो रहा है मैक्सिमम पॉइंट हांजी कहां पर जाके मैक्सिमम हो गया फॉर्मर प्रॉफिट इज मैक्सिम वेन ही इज प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट इज इक्वल टू टेन पॉइंट एट और उसके बाद क्या हो गया अगेन प्रॉफिट स्टार्ट डिक्रीजिंग इसी टेबुलर इंफॉर्मेशन को अगर हम एक ग्राफ की फॉर्म में डिपिक्ट कर दें तो कुछ इस पैटर्न पर होगा क्या जी वी आर टेकिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑन हॉरिजेंटल एक्सेस एंड प्रोफिट टोटल रेवन्यू एंड टोटल कॉस्ट ऑन वर्टिकल एक्सेस हाँ जी प्रॉफिट अप टू फोर्थ यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट क्या है इट ए प्रॉफिट्स ऑफ फार्मर आर नेगेटिव उसके बाद क्या हो गया प्रॉफिट ऑफ द फार्मर फार्मर स्टार्ट अर्निंग पॉजिटिव प्रॉफिट जी मैक्सिमम पे हो, हो गया समर बिटवीन टेन एंड टेन टू ट्वेल्व यूनिट ऑफ आउटपुट और इसी तरह अगर टोटल रेवेन्यू कर्व को देखें हांजी पॉजिटिवली स्लोप करव है टोटल कॉस्ट क्या है इनिशियली इंक्रीजिस एटा डिक्रीजिंग रेट

चेंज इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट हाँ जी हम पहले कर चुके हैं कंपिटिशन कम्पु, सारी मार्जिनल कॉस्ट की भी और मार्जिनल रेवन्यू की भी लेकिन यहां पर हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि द प्रॉफिट ऑफ द फार्मर विल बी मैक्सिमम एट अ पॉइंट वेर एम सी इज इक्वल टू एम आर हाँ जी अगर मैं देखूं तो अगेंस्ट कम्बिनेशन जी प्रॉफिट ऑफ द फार्मर क्या है इज मैक्सिमम कि अगर हम कोई लेवल एक्सप्लिस बी मैक्सिम अगेंस्ट टेन पॉइंट एट्स ऑफ आउटपुट देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू अगेंस्ट एट ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री

अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को ये जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की हमने बात की है हम उसको एक ग्राफ की फॉर्म में शो कर दें तो वो कुछ इस पैटर्न पे होंगी ये सारी डायग्राम मेरे पास क्या जी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, हम उसको एक कह लें कि रेड कलर लाइन के साथ इंडिकेट कर रहे हैं और वो क्या है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिक्रीजेस रिचिज एट मिनिमम पॉइंट देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग

अगेन क्या है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट कर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द फार्मर इज समेयर बिटवीन टेन पॉइंट एट यूनिट ऑफ आउटपुट टू इलेवन पॉइंट सिक्स यूनिट ऑफ आउटपुट और यहां पर सिचुएशन क्या प्रिवेल करेगी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और यहां पे अगर मैं हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू और यहां पे मैं उस चीज को शो कर रहा हूं बाय दिस येलो कलर्ड रिक्टेंगल और ये येलो कलर्ड रिकटेंगल मुझे कैंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट्स ऑफ द फार्मर हाँ जी किस तरह हमने कंप्यूट किया

और ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल बेसिकली इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट ऑफ द फार्मर अब अगर हम यहां पे इन सारी चीजों को समराइज कर दें तो एक चीज कंफर्म है कि प्रॉफिट्स ऑफ द फार्मर कैन बिकम, विल बी मैक्सिमम अगेंस्ट द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और साथ में कंडीशन क्या होगी मार्जिनल कॉस्ट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व